जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक नाविक जीडी फरवरी 2021 बैच रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें अप्लाई सिर्फ मेल कैंडिडेट कर पाएंगे, फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप दोस्तों अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मेरे कोड ज्ञान दे होस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करते ही आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और यहां पर दोस्तों अकेडमी लेकर के आया है अनअकैडमी अशोका एनडीए डिटेल्ड बैच कोर्स, जो कि आपकी बैच 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 16 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इसमें आपको किस एडुकेटर के द्वारा किस सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल पा रही है। फिर यहां पर दोस्तों अकेडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी अचीवर्स, जिसमें कि आपको एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स दिया जाएगा। यह आपकी बैच 23 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 23 मार्च 2021 तक चलने वाली है। और यहां पर भी आप सब्जेक्ट वाइज एडुकेटर को देख सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किसके किस एडुकेटर के द्वारा कराई जाएगी। तो अगर आप यहां पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का, तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कोड का इस्तेमाल कर लेना है, आपको यहां पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट के सेक्शन में जाना है और फिर आपको ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करके जो मेरी क्विज आईडी है उसका इस्तेमाल करके क्विज में ज्वाइन हो जाना है। और यहां पर आप इस क्विज के अंदर फ्री में ज्वाइन हो पाओगे और आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है और अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले सब्सक्रिप्शन लेने से पहले। दोस्तों यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी किया है, जिसमें कि आपको यहां पर बताया है कि आपकी 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी एंड यांत्रिक। और ये जो आपकी तीनों की बैच होने वाली है वो आपकी फरवरी 2021 है। बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्पेशली जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं, और जो भी आपके मन में डाउट है इस वैकेंसी को लेकर के वो सभी आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों नाविक जीडी का भी जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वो आपका 5 जनवरी 2021 से लेकर के 19 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग 5 जनवरी 2021 सुबह 10 बजे से लेकर के 19 जनवरी 2021 शाम 6 बजे तक फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में लिंक एक्टिवेट होने पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, और जो इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे चाहे वो भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें स्टेट की सीमा नहीं रखी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। बट यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी 12वीं है वो आपने मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ पास की हो। अगर आपने अपनी 12वीं मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ पास नहीं की तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, और ये फाइनल आंसर है। अगर आपने अपनी 12वीं कॉमर्स के साथ है और आपके पास जो सब्जेक्ट है 12th में उसमें मैथ फिजिक्स नहीं था तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहां पर आप डीबी और यांत्रिक के जो क्वालिफिकेशन है वो भी देख सकते हो। बेसिकली नाविक डीबी पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, चाहे वो आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास की हो। इसी प्रकार से यांत्रिक की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास, साथ ही यहां पर आपसे डिप्लोमा मांगा है, जो कि आपका इनमें से किसी डिसिप्लिन में होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके एज लिमिट के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 18 से 22 साल के बीच रखी गई है, या फिर आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि मान लीजिए आपको नाविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट या फिर यांत्रिक की पोस्ट पर अप्लाई करना है और जो आपकी डीओबी है वो 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूं
कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में कहीं पर भी आती है तो इसका मतलब यही होता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फिर यहाँ पर नोट करके दिया कि अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर SC ST, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है वो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की दी जाएगी। इज एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम, अगर आपके लिए यहाँ पर पोस्ट रिजर्व है तो आपको ये छूट दी जाएगी। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि GD की पोस्ट पर टोटल आपके 260 पद निकाले हैं, जिसमें कि UR यानी कि जनरल के लिए 114 है, EWS के लिए 33 है, EWS से मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और OBC के लिए 83 है, SC के लिए 7 है और ST के लिए 7 है और SC के लिए 23 है। इसी प्रकार से आप नाविक DB की जो टोटल वैकेंसी है वो देख सकते हो जो कि 50 है। यांत्रिक में यहाँ पर मैकेनिकल ब्रांच के लिए 31 पद है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर वैकेंसी डिटेल भी जान ली है। बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है नाविक GD का उसके बारे में 17 मिनट की काफ़ी लॉन्ग वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी एक्सप्लेन की है, कैसा आपका एग्जाम पैटर्न है, कैसा सिलेबस है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो आप ये वीडियो वॉच करें, इसको वॉच करने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी नाविक DB का जो सिलेबस है उसके बारे में भी वीडियो बनाई है, आपको इन दोनों वीडियो का लिंक नाविक DB सिलेबस और नाविक GD सिलेबस की वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएंगे। आपका जो नाविक DB का सिलेबस है वो आपका वही रहेगा जो कि जनवरी 2021 बैच का था, वही आपका फरवरी 2021 बैच का भी होने वाला है, उसी के माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब चलिए जो अन्य जानकारी है, बेसिकली आप यहां से सिलेक्शन प्रोसेस का जो एक डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। तो यहां पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका 4 स्टेज में किया जाएगा, जो आपकी स्टेज फर्स्ट रिटर्न एग्जाम की जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये आपका नाविक GD की पोस्ट पर 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन टू। आपको यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट के अंदर UR EWS OBC को 30 मार्क्स कम से कम लाने हैं, ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, SC ST कैंडिडेट को 27 लाने हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों आपका नाविक GD का जो सेक्शन 2 है रिटर्न टेस्ट का, इसमें आपको पासिंग मार्क्स 20 UR EWS OBC को और SC ST को 17 लाने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 30+20 यानी कि 50, 27+17=44। तो यहाँ पर आपका 2 सेक्शन में रिटर्न टेस्ट होगा। इसका जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस की जानकारी आपको सिलेबस की वीडियो में मिल जाएगी। और यहाँ पर जो आपका पासिंग मार्क्स के बारे में जानकारी है, बेसिकली यही है कि आपको दोनों सेक्शन के अंदर पास होना होगा, सेपरेटली कंपलसरी है पास होना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका सेक्शन फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 होंगे, और जो सब्जेक्ट आपके इंक्लूड किए गए हैं वो आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK है, और जो आपका लेवल रहेगा इनका वो आपका 10th लेवल का रहेगा। पासिंग मार्क्स आप यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड में देख सकते हो। फिर जो आपका सेक्शन 2 है इसमें यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे और आपको ये करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा और क्वेश्चन भी आपके 50 होंगे, जिसमें कि मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं दो सब्जेक्ट से आपके सेक्शन 2 के अंदर क्वेश्चन आएंगे, और जो इनका लेवल रहेगा वो आपका 12th स्टैंडर्ड का होने वाला है। तो यहाँ पर आपने इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी जान लिया है। इसके बाद दोस्तों आपका स्टेज 2 होगा, जिसमें कि आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है, और ये आपका 1.6 किलोमीटर का इसके अंदर दौड़ होगा, जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा, 20 स्क्वाट्स अप्स यानी कि उठक बैठक और 10 पुशअप आपको लगाने होंगे। और यहां पर जो आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा वो आपका जो परफॉर्मेंस है स्टेज फर्स्ट में दोनों सेक्शन के रिटर्न टेस्ट की उसके अकॉर्डिंग तय करके जो लोग इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हीं को ये एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल ये है कि क्या इस बार सभी का एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो कि जो रिटर्न एग्जाम है इसके लिए जो आपके एडमिट कार्ड इशू होते हैं ये आपके शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के बाद होते हैं, यानी कि जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है 10th में या 12th में जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड इशू किए जाते हैं। तो बेसिकली यहां पर अगर जानकारी को रीड करें कि द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन दियर परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट, बेसिकली यहां पर ये कहीं पर नहीं दिया कि इसमें जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस है वो एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो एडमिट कार्ड है वो मे बी आपको सभी को इशू किया जाए, यानी कि सभी को जितने भी लोग अप्लाई करेंगे एग्जाम
देने का मौका मिले, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। बेसिकली यही है कि इस बार सभी कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे उनको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। ये आप यहां पर डाउट क्लियर कर लीजिए, आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड इस भर्ती में नहीं आएगा। फिर दोस्तों यहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। स्टेज थ्री में आपका एक डिटेल्ड में मेडिकल एग्जाम होगा जो कि आपका 2 दिन तक चलेगा, ये आपका INS चिल्का के अंदर होगा। फिर यहाँ पर फिर से आपका स्टेज फोर होगा जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी और अच्छे से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहां से देख लीजिए। तो यहां पर दोस्तों SC/ST कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होगी, बट जो आपके इन कैटेगरी के अलावा अन्य कैटेगरी कैंडिडेट बचते हैं इनको अप्लाई करने के लिए ₹250 एप्लीकेशन फीस देनी होगी। तो यहां पर दोस्तों आपने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है और जो भी आपके डाउट थे मैंने कोशिश की है वो आपको क्लियर कर सकूं। आई होप ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।